Assalamualaikum everyone, I am Sabira Farooq Mughal. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे. तो बात करें आज के व्लॉग की, तो आज मैं आपके सामने नहीं हूँ, आज मैं क्योंकि किचन में हूँ. आज हम लोग बनाएंगे किचन में कुछ स्पेशल. आज हम कर रहे हैं बेकिंग. आपने बिल्कुल ठीक गेस किया, बेकिंग करेंगे. आज हम बनाएंगे स्पेशल केक. जी तो व्यूवर्स, मैंने केक के लिए सबसे पहले हाफ़ कप जो है वो घी ले लिया है. आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं. हाफ़ कप जो मैंने घी ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी हाफ कप आइसिंग शुगर. आपने मेजरमेंट अच्छी तरह करनी है, जिसमें आपने घी डालना है हाफ कप, उसी में आपने आइसिंग शुगर डालनी है. अब मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल दूंगी. अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो शुगर है आप उसी को ग्राइंड कर ले, आपके पास वो आइसिंग शुगर की फॉर्म में आ जाएगी. ये मैंने डाल दी है. अब मैं इसको लाइट हैंड से मिक्स करूँगी जस्ट. ठीक है जी, तो ये देखिए मैंने बीटर के साथ इसको बीट किया है और मेरा बैटर ऐसा रेडी. अब मैं डालूँ इसमें एक एग. ठीक है, ये मैंने डाल दिया. आपने सेपरेटली एग को कर लेना है. और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे मैदा. ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया. अब हम इसको करेंगे बीट प्रॉपरली. अब इसमें डालेंगे हम सेकेंड एग. मैंने कहा था तीन एग की हम ज़रूरत होगी. नेक्स्ट वही सेम थिंग, हाफ टेबल स्पून मैदा. अब इसको अगेन हम सेम बीट करेंगे. ओके, तो मैंने इसमें दो एग डाल दिए और उसको बीट कर लिया. बारी है थर्ड वन की, और थर्ड वाला भी हमने डाल दिया और साथ में हमने हाफ टेबल स्पून जो है वो मैदा डाल दिया इसके बारे में. ओके, नेक्स्ट इसको भी हम बीट करेंगे. इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालूंगी. सबसे पहले तो इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर. ठीक है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया. 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस. ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मैदा. क्लियर करके डालना है. क्लियर करने का मकसद ये होता है कि आपके जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं केक को अच्छी तरह फ्लफ होने में. हाफ कप मैदा लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह छान के डाला है. अब मैं इसको बीट करूंगी. अब जो रिमेनिंग रह गया है मैदा, क्योंकि हमने फुल कप डालना था, तो अब हम बाकी का इसमें डालेंगे. ये बैटर हमारा रेडी हो गया. अब इसको मैं करूंगी हाफ डिवाइड, ताकि मैं उसमें कोको पाउडर ऐड करूं और थोड़ा सा इसमें मार्बल टेक्सचर भी हम लाएं केक में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगेगा. तो अभी हम इसको करते हैं हाफ. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आपको टेक्सचर चाहिए मार्बल का. ठीक है, इनफ है वो, आप अपने अकॉर्डिंग आपने जितना भी लेना है आप ले सकते हैं. मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को करने के लिए सिर्फ मैंने ये लिया है. अब इसमें हम ऐड करते हैं कोको पाउडर. ये जितना हमने लिया है इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून कोको पाउडर. ठीक है, अब इसको हम मिक्स करते हैं प्रॉपरली. अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप इसमें ओवल्टीन डाल सकते हैं, इसमें आप बॉर्नविटा डाल सकते हैं. चोई हीट होने के लिए रख दिया. ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ, ताकि हमारा जो केक है उसका जो बैटर है वो कहीं पर भी अटैच ना हो. ठीक है, बटर पेपर नहीं है तो आप इसको सिंपल प्लेन जो आपके पास पेपर है वो यूज़ कर सकते हो. बट उसको अच्छी तरह आपने ये रिमेंबर रखना है कि उसको अच्छी तरह ग्रीस करना है ऑयल के साथ. ठीक है, ये हो गया. अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये वाला ऐड करेंगे. ओके, अब हम इसमें चॉकलेट वाला जो बैटर है वो डाल देते हैं. तो व्यूअर्स, मैंने अपना केक बेक होने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, इसको अगेन हमने फिलअप कर दिया. अब हम करने लगे हैं यहाँ पे क्रीम का टेक्सचर रेडी. उसमें केक में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट हमने टिन पैक जो कॉकटेल है वो लिया है और लाइट ऑफ हो गई है. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है क्रीम, ये मिल्क पैक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे. क्रीम को फ्लफी करने के लिए इसमें हम आइसिंग शुगर के साथ इसको बीट करेंगे. देन पाइपिंग बैग के साथ जो केक के ऊपर हम उसकी डेकोरेशन करेंगे वो बड़ी अच्छी लगेगी. लेट्स आयशा बेबी, क्या हो रहा है अभी, क्या रेडी हो रहा है? आयशा केक रेडी हो रहा है आपके लिए. आपके लिए केक रेडी हो रहा है अभी, क्या रेडी हो रहा है अभी, तो केक रेडी हो रहा है पुप्पो. सच में आयशा, आयशा पुप्पो किधर है? पुप्पो 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 पुप्पो, मैंने तो केक खाना है, मैंने 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 केक खाना है. हेलो कर दो, हेलो 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 व्यूअर्स, हेलो हेलो हेलो.
सो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें, कुछ कुकिंग कर सकें, कुछ हिजाब स्टाइल्स बना सकें, कुछ व्लॉगिंग कर सकें, कुछ इवेंट्स की वीडियोस बना सकें। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। व्यूअर्स, आपने केक को किस तरह चेक करना है कि हमारा केक जो है वो पक गया है कि नहीं, तो आपने अपना नाइफ जो है वो इस तरह बिल्कुल सेंटर में करना है। अगर तो ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसमें कोई टेक्सचर नहीं होगा, इट मींस कि आपका जो फुली है केक वो पक गया है। जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए, आराम से आपने इसको निकालना है और बाकी जितना भी पेपर होगा उसको अच्छी तरह रिमूव कर लेना है। एंड दिस वन, अभी जो इसकी एक्स्ट्रा लेयर है ये हम ऊपर से काट देते हैं, फिर इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने केक के जो है वो हाफ मतलब डिवाइड कर दिया, उसके दो पीसेस कर दिए हैं। कॉकटेल जो मेरे पास था, मैंने ना उसका जो जूस निकाल के साइड पर रख दिया और मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ना कॉकटेल का जो सिरप है वो यहाँ पर डाल दिया, इसमें भी और इस पंच में भी। अब ये फिनिश हो गया, वो हमारा कॉकटेल है। यहाँ पर मैं बीट कर रही हूँ, व्हिप क्रीम को यहाँ पर ऐड करूंगी और अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर ये क्रीम जो है वो व्हिप हो रही है। सिर्फ मिल्क पे क्रीम था, उसमें मैंने आइसिंग शुगर ऐड की 3 टेबल स्पून और इसको मैंने साथ साथ बीट किया। बीटिंग नहीं छोड़ी, ये बीट करने से ये होगा कि आपकी क्रीम जो है हेल्दी फैट में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको लगाती हूँ, आप देखिए इसको कैसे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमने क्रीम के साथ इसको प्रॉपर कवर करना है। अभी ये जो साइड्स रह गई हैं, ये जब मैं उसके साथ इसको मैच करती हूँ, अंदर हम कॉकटेल डालते हैं जो हमने कट करके पीसेस में रख दिया है, ये फुल क्रीमी सा हमारे पास केक रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमने क्रीम के साथ इसको कवर करके इसके ऊपर हमने जो कॉकटेल है ये ऐड करेंगे, इसके ऊपर फुल फिक्स करेंगे एंड दिस इज डन। ठीक है, इसको आपने ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इतना इतना रखना है। अब ये जो क्रीम ख़राब होगी हमने रखी हुई है ना, वो हम प्रॉपर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये क्रीम के साथ फुली कवर होगा, इसके ऊपर जो डेकोरेशन करनी है वो भी करते हैं। अभी हम इसको क्रीम के साथ फुल कवर करते हैं। ठीक है जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे इसकी मैंने ना सारी डेकोरेशन कर दी है। यहाँ पे मैंने कॉकटेल था वो ऐड कर लिया, यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स थे मेरे पास, वेफर्स थे, वो मैंने साइड्स पे डेकोरेट किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको नीट कर रही हूँ। एक कार्ड है मेरे पास जहाँ जहाँ से क्रीम रिमूव हो रही है, जिस नीट करने में उसको आपने देखते जाना है और करते जाना है साफ बिल्कुल तरीके से, एक लुक आपकी अच्छी आनी चाहिए। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये क्रीम मेल्ट ना हो। अब आप देख सकते हैं एक केक की प्रॉपर लुक है। ओके डन, नाइस ना। इसको आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, और कहीं से कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे दोबारा से यहाँ पर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कोई और रेसिपी ट्राई करनी हो। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लास्ट टाइम मैंने केक जो बनाया ना वो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर, मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया कि मैंने बहुत टाइम बाद ही मैंने केक बनाया, लॉन्ग टाइम अगो जब मैं कुकिंग करती होती थी। अब थोड़ी बहुत कभी कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरा दिल किया था कि आज मैं बेकिंग करूँ तो मैंने केक बना लिया। स्पेशली मैंने कहा हुआ था कि आपके लिए हम केक बनाएंगे फैमिली, तो अब ये केक रेडी हो गया। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।